नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। केंद्रीय विद्यालय और आर्मी पब्लिक स्कूल दोनों की तरफ से गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। पीजीटी टीजीटी पीआरटी तीनों की इसमें रिक्रूटमेंट है अलग अलग सब्जेक्ट्स की। केंद्रीय विद्यालय में जो रिक्रूटमेंट आ रही है वो एक साल के लिए सिर्फ सेशन 2020-21 के लिए है। तो ठीक है, बिल्कुल विस्तार से देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है और कब आपको इनके इंटरव्यू के लिए जाना है और कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल ऊंचा बस्ती की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आ रही है, ये देखिए, ये है इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन। आर्मी पब्लिक स्कूल ऊंची बस्ती की तरफ से जारी किया गया है, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये देखिए armyschoolunchibasi.org। यहाँ आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। वैकेंसियों की डिटेल इस प्रकार से है, ये 11 महीने के लिए ये रिक्रूटमेंट है। बस ये जो वैकेंसियां हैं एडहॉक बेसिस पे सिर्फ 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। पीजीटी में वैकेंसियां हैं कॉमर्स, ज्योग्राफी, मैथ्स और केमिस्ट्री की। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट एंड बीएड विद मिनिमम 50% मार्क्स इन बोथ। सीएसबी एंड टेट सीटेट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। टीजीटी में वैकेंसी सोशल साइंस, साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के, ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में और बीएड भी होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। सीएसबी टेट सीटेट क्वालिफाइड को प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीआरटी जर्नल एक वैकेंसी है, ग्रेजुएशन एंड बीएड विद मिनिमम 50% मार्क्स इन बोथ। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन और बीपीएड या फिर डीपीएड आपने कर रखी हो। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के लिए, ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड जर्नल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा और जो आपकी एप्लीकेशन है वो 20 फरवरी 2020 तक स्कूल में पहुंच जानी चाहिए। चाहे तो बाय पोस्ट भेजें या फिर बाय हैंड भी आप इसको भेज सकते हैं और 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको इसके साथ लगाना होगा इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल ऊंची बस्सी। इसके बाद अगली रिक्रूटमेंट आ रही है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 आगरा कैंट की तरफ से। वॉक इन इंटरव्यू है, यहाँ एलिजिबल कैंडिडेट्स आर इन्वाइटेड फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू एट केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 आगरा कैंट। 25/2/2020 को प्राइमरी टीचर का है, स्पोर्ट्स कोच, डांस टीचर, योगा टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। सैलरी है 21,250 रुपए पर मंथ। 28 फरवरी 2020 को है टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथ, सोशल साइंस का। सैलरी 26,250 रुपए और 3 मार्च 2020 को डॉक्टर, स्टाफ नर्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, काउंसलर और पीजीटी केमिस्ट्री का सैलरी है 27,500 रुपए पर मंथ। जिस तिथि को आपका इंटरव्यू है उस दिन सुबह 8:30 बजे तक आपको वहां पहुंच जाना है, उसी दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है नंबर 2agrakent.kvs.in वही आपको भर के लेके जाना है। ये देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड रिपोर्ट एट केवी नंबर 2 आगरा कैंट ऑन 8:30 AM ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू अलोंग विद ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन बिफोर वॉक इन इंटरव्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। रिक्रूटमेंट आ रही है केंद्रीय विद्यालय मथाना की तरफ से, सेक्टर 4 अर्बन एस्टेट कुरुक्षेत्र की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। अनुबंध के आधार पर अध्यापकों के चयन के लिए पैनल बनाने हेतु साक्षात्कार 2020-21। प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी 27 फरवरी 2020 को इंटरव्यू है। प्राथमिक शिक्षक और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का 28 फरवरी 2020 को इंटरव्यू है। योग्यता और वेतन केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार। अधिक जानकारी के लिए kvsangathan.nic.in या फिर जो विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है mathana.kvs.ac.in पर लॉगिन करें। आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ दिनांक 25 फरवरी 2020 तक विद्यालय में पहुंच जाना चाहिए। आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। सीटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए अपने समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य लाएं। इसके बाद अगली रिक्रूटमेंट आ रही है केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़, नियर काली बेरी टेम्पल चंडीगढ़। तो यहाँ की तरफ से रिक्रूटमेंट है और केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 31 चंडीगढ़। ये दो अलग अलग स्कूल है, इन दोनों के लिए इकट्ठी ये रिक्रूटमेंट आई है। वैकेंसियां हैं यहाँ पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। इंटरव्यू है 25 फरवरी 2020। वेन्यू है केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 31 चंडीगढ़। टाइमिंग है सुबह 8 बजे और इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स कोच, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो,
विजिटिंग डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, योगा टीचर और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर आर्ट एंड क्राफ्ट का इंटरव्यू भी 25 फरवरी 2020 को ही कंडक्ट कराया जाएगा केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 31 चंडीगढ़ में। बाकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है चंडीगढ़ सेक्टर 31.kvs.ac.in यहाँ पे मिल जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहीं मिल जाएगा। और 28 फरवरी 2020 को इंटरव्यू है केंद्रीय विद्यालय 3BRD AFS चंडीगढ़, यहाँ पे होगा ये इंटरव्यू, सुबह 8 बजे है टाइमिंग। TGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, PRT कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक और स्पोकन इंग्लिश टीचर का यहाँ इंटरव्यू है। ये देखिए, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट 7:30 AM शार्प फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। तो सुबह 7:30 बजे आपको पहुंचना है, 8 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही जो 25 फरवरी को इंटरव्यू है उस दिन भी आपको सुबह 7:30 बजे वहां हर हाल में पहुंच जाना है। इसके बाद देखिए, कैंडिडेट शुड डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ एनी विद्यालय एंड ब्रिंग एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड अलोंग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल एग्जाम पास्ड फॉर ऑल ईयर्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आल्सो ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन, नो TADA विल बी पेड। तो ये आप देख सकते हैं, और जो सैलरी मिलेगी वो KVS के जो नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो इनमें से किसी भी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको भर के लेके जाना होगा। ठीक है दोस्तों, 4 अलग अलग स्कूल्स की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई थी जो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई है। कहीं और से भी हमें कोई अपडेट मिलेगी तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसके लिए कर लीजिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो लगा अच्छा तो इसे कीजिए लाइक और शेयर। धन्यवाद।